नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग रिक्वेस्ट है पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ आएगा। इसमें करेंगे प्रूफ दैट कॉस 15° माइनस साइन 15° इक्वल टू ये 1/√2 हम लोग को प्रूफ करना है। देखिये हम LHS से आते हैं, यहाँ पे LHS हम लोग दिया गया कॉस 15° माइनस साइन 15°। अब दोस्तों देखिए 15° को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। ऐसा दो एंगल में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम लोग वैल्यू पता हो। देखिए 45° में से 30° को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाए 15°। तो 45° का वैल्यू पता है और 30° का वैल्यू पता है कि कॉस में क्या होता है साइन में क्या होता है। तो 15 को पहले क्या कीजिए चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस 15° है तो इसको लिख दिए 45° माइनस 30° माइनस ये साइन, ये हो जाएगा 45° माइनस 30°। अब यहां पे देखिए कि ये ए है और ये बी है और यहां पे ए है और यहां पे ये बी है। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है कॉस ए माइनस बी का, यहां पे दोनों फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यहां पे देखिए कॉस ए माइनस बी और यहां पे लगेगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ओके। और यहां पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब यहां पे क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए। तो पहला वाला में ये फॉर्मूला लगने वाला है यहां पे कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस एक जगह कितना 45° इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 30° प्लस साइन ए यानी कि साइन 45° इंटू साइन बी यानी कि साइन 30°। फिर बीच में साइन है माइनस का, यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अब यहां पर देखिए यहां पे इसमें लगेगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए यानी कि साइन 45° इंटू कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू है 30°। फिर माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 45° इंटू साइन बी यानी कि साइन 30°। अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पे कॉस 45 यानी कि 1/√2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 होता है 1/2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अब इससे आगे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 प्लस ये 1/√2 माइनस ये √3/2 ये माइनस 1/√2। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा देखिए √3/2 प्लस ये 1/√2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस √3/2 ये माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करते प्लस 1/√2। देखिए माइनस √3/2 और ये प्लस √3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली बचा 1/√2 प्लस ये 1/√2 डिनोमिनेटर सेम है तो 2√2 और ये हो जाएगा 1+1 तो फाइनली हो जाएगा 2/√2। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1 तो फाइनली हो जाएगा 1/√2। ये हो गया RHS, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए 8 का सेकंड पार्ट हम लोगों को ये दिया गया है कर अप्रूव करने के लिए कॉट 105° माइनस टेन 105° इक्वल टू 2√3 है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, या कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन होता है। तो किसी एक का वैल्यू निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो दूसरा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं टेन 105° का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे LHS, LHS में है हम लोग cot 105° माइनस टेन 105°। अभी आप लिखते हैं नाउ टेन 105°।
अब देखिए टेन 105 डिग्री को हम लोग दो एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सुन सकते हैं टेन ये लिख सकते हैं हम लोग 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको यदि हम ए लेट करते हैं, इसको यदि बी लेट करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला बना, टेन ए प्लस बी। दोस्तों हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बताए थे पिछले वीडियो में, टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। इस वैल्यू को क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को टेन ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री और प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि 60 में 45 डिग्री हम ऐड करें तो 105 डिग्री मिल जाएगा इक्वल टू टेन ए, टेन ए के जगह 60 डिग्री प्लस टेन बी, बी के जगह पे 45 डिग्री अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये वन माइनस टेन ए यानी कि 60 डिग्री इंटू टेन बी यानी कि 45 डिग्री। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को टेन, लेफ्ट में रहेगा टेन, ये हो जाएगा 105 डिग्री इक्वल टू देखिए टेन 60। दोस्तों इसमें दो एंगल यूज होने वाला है, एक है टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री एंड टेन 45। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वन, ये आप लोगों को पता भी होगा, क्लास टेन से पढ़े होंगे। टेन 60 जगह रूट थ्री लिखिए प्लस टेन 45 के जगह वन अपॉन में वन माइनस टेन 60 यानी कि रूट थ्री इंटू टेन 45 का वैल्यू वन। आगे देखिए ये हो जाएगा टेन 105 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन में ये वन माइनस रूट अंडर थ्री। ये दोस्तों लोग वैल्यू आया किसका, टेन 105 डिग्री का। अब देखिए आप टेन 105 डिग्री का वैल्यू यदि ये आया है तो लिखेंगे देयरफॉर कॉट 105 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वन अपॉन में, देखिए ये वन अपॉन में इतना आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस रूट थ्री अपॉन में रूट अंडर थ्री प्लस वन। हम लोग लास्ट में देखेंगे, यदि रेसलाइज करना होगा तो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए टेन 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग ये आया तो कॉट 105 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। इस वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कीजिए इसमें, लिखेंगे नाउ एलएचएस हम लोग कितना है, एलएचएस है कॉट 105 डिग्री माइनस टेन 105 डिग्री, पुट कीजिए इसमें। देखिए कॉट 105 डिग्री, कॉट 105 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 माइनस रूट 3 अपॉन में यह रूट अंडर 3 प्लस 1 माइनस, और टेन 105 डिग्री है रूट अंडर 3 प्लस 1 अपॉन में यह 1 माइनस रूट 3। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए ये रूट थ्री प्लस वन है ना, इसको लोग 1 प्लस रूट 3 भी लिख सकते, देखिए बात है कि प्लस आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस रूट 3 और इंटू में 1 माइनस रूट 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसे इसको डिवाइड कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 को 1 माइनस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसे डिवाइड कर दिया कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 को रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकते, एक ही बात है, या 1 प्लस रूट 3 लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, इस चीज को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस रूट 3 और यहाँ भी 1 प्लस रूट 3 ही है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 × 1 × √3 तो 2√3 हो जाएगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट की यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 × √3 तो 2√3 हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पे देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, तो ये a हो गया और यहाँ पे b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हो जाएगा माइनस 2√3 माइनस ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 2√3 अपॉन में, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा 3। आगे देखिए, अब देखिए साइज को सॉल्व करेंगे, देखिए 1 + 3 हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2√3 ये माइनस ये 1 + 3 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 2√3 अपॉन में 1 में 3 जाएगा तो जाएगा माइनस 2। आगे देखिए ये 4 − 2√3 माइनस से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2√3 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस 2। देखिए यहाँ पे माइनस 4 से प्लस 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा
सारे सब सॉल्व करें तो माइनस टू रूट अंडर थ्री और माइनस टू रूट अंडर थ्री, ये हो जाएगा माइनस फोर रूट अंडर थ्री अपॉन में ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, ये टू से टू टाइम्स में कैंसिल, ये हो जाएगा टू रूट अंडर थ्री। और ये दोस्तों हम लोगों को आरएचएस लाना था। ये दोस्तों हम लोग प्रूफ हो गया इसका सेकंड पार्ट। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि 1069 प्लस 1066 अपॉन में 1 माइनस 1069 इंटू 1066 इक्वल टू माइनस 1 लाना है। अब दोस्तों देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। देखिए इसको यदि हम ए लेट करेंगे, इसको यदि बी लेट करेंगे तो 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखो हम जानते हैं ये 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है। 10a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है ना। इसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट a इक्वल टू 69 डिग्री एंड b इक्वल टू 66 डिग्री। LHS से आइए, LHS ये है 1069 डिग्री प्लस 1066 डिग्री अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 1069 डिग्री इंटू 1066 डिग्री। यहां पुट कीजिए 1069 को हम लोग क्या लेट किए हैं a, प्लस 1066 को हम लोग क्या लेट किए हैं b अपॉन में ये 1 माइनस 1069 यानी कि 10a इंटू ये हो जाएगा 10b। अब फॉर्मूला मैच कराए, देखिए यही है ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a प्लस b, पुट कीजिए इसमें वैल्यू, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा a के जगह पर 66 डिग्री है, b के जगह पे सॉरी a के जगह पर 69 डिग्री है, b के जगह पर 66 डिग्री, ये हो जाएगा 10। इसको ऐड कीजिए ये हो जाएगा 9615 और ये हो जाएगा 6612113। अब देखिए इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 10 135 डिग्री को या 90 प्लस 45 लिख दीजिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आगे देखिए, अब दोस्त देखिए यहां पे 10 ये 180 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं। देखिए 10 ये 180 माइनस थीटा, तो 180 में से हम लोग दोस्तों यदि कुछ एंगल माइनस करेंगे, देखिए 180 है यहाँ पे, 180 में हम लोग कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, क्लॉक वाइज आना पड़ेगा। तो 180 में से हम लोग कुछ माइनस कर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा। इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस 10 थीटा, थीटा का जगह 45 डिग्री, ये माइनस और 10 45 वैल्यू कितना होता है 1, इसको मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, ये 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ये क्या हो गया, आरएचएस हो जाएगा, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन का प्रूव दैट कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू 1054 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, एलएचएस से भी आ सकते हैं, आरएचएस से भी आ सकते हैं। देखिए एलएचएस से हम लोग आते हैं, पहले ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन में ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब दोस्तों देखिए हम लोग एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जब हम लोग कॉस और साइन का टर्म प्लस या माइनस में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, हम लोग क्या करेंगे पहले 10 में कन्वर्ट करें। यहाँ रिजल्ट भी देखिए, रिजल्ट यहाँ पे क्या है 10 में लाना है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या दिया है, यहाँ इसमें हम लोगों को जो दिया क्वेश्चन दिया किसमें दिया, साइन कॉस में दिया है, इसको हम लोग 10 में बदलना है। तो 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग कॉस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर थीटा के जगह पर एंगल कितना है, 9 है, हम लोग कॉस 9 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों कॉस 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे, ताकि ये रियल किस में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई कॉस 9 डिग्री ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि यहीं पे यदि 10 में कन्वर्ट करना तो हम क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस से डिवाइड करें, कॉस 9 डिग्री से, तो इसके नीचे में क्या कीजिए, कॉस 9 डिग्री लिख दीजिए अपॉन में, फिर इसके नीचे में देखिए इसको डिनोमिनेटर क्या चीज लिख लीजिए, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 9 डिग्री। फिर से समझिए
कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस 9 डिग्री से क्या क्या डिवाइड है। न्यूमरेटर ये था, इसके नीचे में कॉस 9 डिग्री हो गया, फिर ये डिनोमिनेटर, इसके नीचे में क्या हो, कॉस 9 डिग्री। इससे रिजल्ट क्या हो, देखिए यहाँ पे ऊपर में दो टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म, को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री अपॉन में, ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस, ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 9 डिग्री अपॉन में, ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री अपॉन में, इसके नीचे में कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 9 डिग्री। ओके, क्या किया है, ऊपर में दो टर्म था, नीचे में सिंगल टर्म, अलग अलग डिवाइड किए, सेम प्रोसेस यहां भी किए हैं। इससे क्या रिजल्ट हुआ, देखिए यहां पे ये हो जाएगा, देखिए कॉस 9 से कॉस 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 माइनस सॉरी प्लस है यहां पे साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। देखिए साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन 9 डिग्री अपॉन में, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन 9 डिग्री। अब इसे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग यह था 1 प्लस टेन 9 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेन 9 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस टेन 9 डिग्री अपॉन में ये 1 माइनस ये 1 इंटू टेन 9 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मल्टीप्लाई कर देखिए रह जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस है, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, हम लोग जानते हैं ये, देखिए वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, या टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। तो देखिए फॉर्मूला में वन माइनस तो है ही, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां वन और यहां वन, इसको हम लोग टेन 45 डिग्री लिखेंगे, ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस टेन 9 डिग्री अपॉन में ये वन माइनस, इसको लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री इंटू टेन 9 डिग्री। अब यहां पे इसको कंपेयर कीजिए, देखिए इसको हम लोग ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे, ये ए है और यहां पे ये बी है, तो देखिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन इंटू टेन बी, रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी हो जाएगा, तो जाएगा टेन ए यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री और प्लस बी ये हो गया 9 डिग्री, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 54 डिग्री, और ये दोस्तों क्या था, आर्चेस लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों इसका पहला मेथड हो गया, हम लोग कहां से आए हैं, एलएचएस से आए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हम लोग आरएचएस से आएंगे, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रूव दैट कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन में कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल टू टेन 37 डिग्री हम लोगों को लाना है। देखिए इसमें आते हैं आरएचएस से, यह टेन 37 डिग्री है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते, देखिए ये 45 के नियर में है, इसको हम लोग क्या कर, 45 से तो कम है, तो लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, टेन 45 डिग्री में से 8 डिग्री को माइनस करें कितना, टेन 37 हो जाएगा। अब देखिए ये 45 जो है मतलब ए है और ये क्या है, बी है, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। इसे पुट कीजिए, देखिए टेन ए, ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री माइनस टेन बी यानी कि 8 डिग्री अपॉन में वन प्लस टेन ए यानी कि 45 डिग्री इंटू टेन बी यानी कि 8 डिग्री, ए के जगह 45 पुट किए, बी के जगह पे 8 पुट किए। अब देखिए यहाँ पे टेन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो वन माइनस टेन 8 डिग्री अपॉन में ये वन प्लस वन इंटू टेन 8 डिग्री, ये फाइनली हो जाएगा वन माइनस टेन 8 डिग्री अपॉन में वन प्लस वन इंटू टेन 8 डिग्री हो जाएगा टेन 8 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको देखिए रिजल्ट हम लोग लाना है साइन साइन कॉस में लाना है, तो इसको क्या कीजिए चेंज कर दीजिए यहाँ पे, ये वन माइनस टेन 8 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 8 डिग्री अपॉन में कॉस 8 डिग्री अपॉन में ये वन प्लस टेन 8 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 8 डिग्री प्लस कॉस साइन 8 डिग्री अपॉन में कॉस 8 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस 8 डिग्री
तो वंस इसको डिवाइड कर दिया, यही हो जाएगा कॉस 8 डिग्री। कॉस 8 डिग्री को वन से मल्टीप्लाई करते हो जाए कॉस 8 डिग्री माइनस कॉस 8 डिग्री से कॉस 8 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन। वन को साइन 8 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा साइन 8 डिग्री अपॉन में। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, वन और कॉस 8 डिग्री का तो हो जाएगा कॉस 8 डिग्री। तो वन से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा वन, ये हो जाएगा साइन 8 डिग्री। अब देखिए ये से यहाँ पे कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट हो जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन में, ये हो जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। और यही दोस्तों क्या था, इसका LHS था। ये दोस्तों को प्रूव हो गया, दोनों मेथड में जो मेथड आप लोगों को आसान लगे उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अरे दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।